फ्रेंड्स, आज हम आपको HTC का 828 ये डेड फोन है, इसको चेक करना बताएंगे कि कैसे इसको चेक किया जाता है, कैसे इसकी प्रॉब्लम क्या है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैक पैनल आप इसका ओपन करेंगे। ये पेस्टेड होता है, ये एक बार खुला हुआ है तो आसानी से खुल गया है, बाकी जब नया आएगा तो आराम से आप इसका बैक पैनल हल्का सा हीट करके आप छुटाओगे तो छुट जाएगा। ये गमिंग लगी होती है, गमिंग टेप जो है। सारे स्क्रू आप ओपन करेंगे इसके। अगर कोई डेड सेट आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो बताएंगे। पहले हम इसका पूरा ये स्क्रू को ओपन करके फिर टेस्ट करना बताएंगे। सारे लूज कर दें, आराम से आप करोगे, आप देखिए आराम से इसको ओपन करें। इसका जो कवर है वो ओपन हो जाएगा, पेस्टेड भी होता है थोड़ा, पेस्ट का भी ख्याल रख करके आपको ओपन करना। अब सबसे पहले आप बैटरी कनेक्टर को देखें और इसकी कंडीशन देखें, बोर्ड की कंडीशन क्या है। ये वाइट ये टेप लगी हुई है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये वाटर डैमेज नहीं है सेट। अगर वाटर डैमेज होता तो ये इसका कलर रेड होता, इस पर कोई भी पानी या लिक्विड डलते के साथ ही ये अपना कलर बदल देता है। तो हमारा जैक ये रहा, जैक की कंडीशन देखते हैं। जैक की कंडीशन है तो खस्ता, चेक करते हैं। ये देखिए, बैटरी को हम रिमूव करेंगे। ये किसी और जगह भी दिखाया हुआ है ये सेट, और उसने जवाब दे दिया है। हम इसको चेक करते हैं क्या रीज़न है इसका। सबसे पहले तो हम इसमें बैटरी को चेक करेंगे कि बैटरी में पावर कितनी है, और फिर जैक से बोर्ड क्या सिचुएशन रख रहा है, क्या उसके वो है।
2.64, बैटरी बहुत वीक है, बैटरी को बूस्ट करना पड़ेगा सबसे पहले तो हमें, क्योंकि 3.7 वोल्ट अगर ना हो बैटरी में तो दो प्रॉब्लम आती है, ना तो फ़ोन ऑन होगा ना चार्ज होगा। ऑन होने के लिए 3.5 इसको आप बूस्ट करना है, बूस्ट के लिए ये रहा बूस्टर होता है, इससे आप बूस्ट करोगे इसको ऑन करके, इसको लगाए और ये देखो बूस्टर चालू हो गया। इसको आप चेक करेंगे, देखो ये देखो चालू है। इस तरीके से आप प्लस माइनस को आप लगाएंगे और इसको बूस्ट करेंगे। तो यहाँ इसके अंदर तो जाने रही है पिन, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ जहाँ भी जगह आपको मिलती है वहाँ आप पिन को बैठाना है और बूस्ट करना है। तो यहाँ से बूस्ट हो रही है, तार छिल रखते हैं तो यहाँ से बैटरी बूस्ट हो रही है। तो बूस्टिंग के लिए हम थोड़ी देर रखते हैं, ठीक है, रखने के बाद फिर दिखाते हैं। उससे पहले चलो आप बूस्ट करो, हम वो चेक करते हैं। पहले आप बोर्ड को चेक करते हैं कि बोर्ड की कंडीशन क्या है, उसको चेक करने के लिए आप सबसे पहले प्लस माइनस को चेक करें, इसका प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है, ग्राउंड पर रख करके जैसे आप चेक करोगे प्लस माइनस की टिप्स, ये जी माइनस है, ये माइनस है, और बाकी ये इधर के दो प्लस हैं दो माइनस है, ठीक है जी। अब इधर को ऐसे रखते हैं तो देखो क्या दिखाता है, कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं, पलटते अच्छा ये वैल्यू दिखा रहा है, अब पलटते हैं कुछ नहीं, बोर्ड की कंडीशन में प्रॉब्लम है। अब इसका ये डायोड है, डायोड को हम चेक करेंगे, वन साइड बीप देगा अदर साइड नहीं देगा, ठीक है जी ओके। अब बैटरी हमारी बूस्ट हो जाए तो हम इसको लगा करके चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है, फिर इसकी हॉट टेस्टिंग होगी। उससे पहले हम एक टेस्टिंग और करते हैं, इसमें आप जैक लगाएंगे, जैक से यहाँ सप्लाई आनी चाहिए, अगर सप्लाई आ रही है तो आपका ये सेक्शन ओके, चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं उसको, ये हॉट टेस्टिंग कहलाती है। अब ये हॉट टेस्टिंग होगा, यहाँ लग यहाँ देखा, अब इसमें आप सप्लाई चेक करेंगे तो सप्लाई आपको देखो 4 पॉइंट आ रही है वैल्यू इसमें सप्लाई, तो इसका मतलब हमारा चार्जिंग सेक्शन ओके है। अगर ये सप्लाई नहीं आती तो आपकी स्ट्रिप में प्रॉब्लम है। अब ऊपर का चेक करते हैं, ये हमारा चार्जिंग सेक्शन ओके, बैटरी कितनी बूस्ट हो गई है बताइए। अभी और होंगे 3.5 या 7 आपको लेकर के आने, बूस्ट करो। चलिए बैटरी को आप चेक करते हैं, बैटरी हमारी बूस्ट हो गई है, चेक करें बैटरी का लेवल क्या है, 3.5, ठीक है। अब ये हमारी बैटरी एकदम चार्ज हो गई है, अब बैटरी को हम लगा करके चेक करते हैं। बैटरी से हिस्से कनेक्ट करने के बाद आप इसका चार्जिंग जैक लगाएं और ये एकदम रिस्पॉन्स दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा पता चलेगा। नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, चार्जिंग वगैरह बिल्कुल शो नहीं करा रहा, क्योंकि बैटरी कनेक्टर में भी सप्लाई पूरी जा रही है। अब यहाँ से हम इसे निकालते हैं,
निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, बैटरी हमारी कनेक्ट है, कनेक्ट करने के बाद अब हम सप्लाई चेक करेंगे। इसका जो डायोड है, डायोड को चेक करें, जो पास में लगे हुए डायोड है उसको चेक करें। यहाँ सप्लाई आ रही है, हमें ये ओपन करना पड़ेगा। ओपन करके हमें चेक करना पड़ेगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलिए अब बोर्ड को बाहर निकालते हैं, बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं पहले। ठीक, इस तरह से देखो बोर्ड ये बाहर आ गया और हम चेक करते हैं इसकी हॉट टेस्टिंग और कोल्ड टेस्टिंग दोनों। बैटरी को कनेक्ट करेंगे, बैटरी को कनेक्ट करने के बाद हम इसके ऑन ऑफ स्विच पर जाएंगे। ऑन ऑफ स्विच हमारा कहाँ है वो चेक करते हैं। तो ऑन ऑफ स्विच का हमारा ये रही टिप्स, इस पर चेक करते हैं हमारी सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। देखिए ये आ रही है, सप्लाई आ रही है, तो इसका मतलब सप्लाई तो आ रही है। टच करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब कंपोनेंट भी चेक करें कि कौन ओवरहीट हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा, रख करके आप चेक करेंगे लगाएंगे। नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे इस ये 6 लाख की आईसी जो है इसको हम चेक करेंगे। इसमें यहाँ ये सप्लाई एक तरफ, दूसरी तरफ चेक करेंगे डायोड है, डायोड को चेक करेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ सप्लाई आ रही है, ये भी आ रही है। देखो ये डायोड हमारा, ये डायोड खराब है, यहाँ भी आ रही है सप्लाई और यहाँ भी आ रही है, ये डायोड हमारा खराब है। इस डायोड को चेक करें, ये हमारा ये डायोड है, ये हमारा डायोड है,
खराबी दोनों तरफ वैल्यू दे रहा है, एक तरफ आनी चाहिए ये दोनों तरफ दे रहा है, ठीक है। अब इसमें दो सिचुएशन है, एक इसको सप्लाई यहाँ से ले रही है, या तो ये खराब है या ये खराब है, इन दोनों में से एक है। इन दोनों में से हम इसको निकालेंगे, निकाल करके चेक करते हैं। हमने ये 6 लैग की आईसी जो है इसको रिमूव कर दिए, जो ये थी आईसी, यहाँ ये आईसी हमने रिमूव कर दी। और अधिकतर ऐसे बोर्डों में ये 6 लैग की आईसी ही ख़राब होती है, ये सप्लाई सही से नहीं देती तो काम नहीं करेगा बोर्ड। तो हमने ये निकाल दिए, अब हम इसकी फिर से चेक करते हैं अभी क्या कंडीशन है इसकी। यहाँ आ रही है अभी वैल्यू, और यहाँ 6 लाख की पॉइंट में यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ मिस कर गया, बाकी ठीक है। ये डायोड अभी भी दोनों तरफ दे रहा है, इसको सप्लाई यहाँ से मिलती है, मैन सीपीयू है, यहाँ से इसकी आईसी को सप्लाई मिल रही है। अब ये देखिए ऑन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम दिखाता है, होता है नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब ये डायोड है, डायोड को भी हमें रिमूव करना है, क्योंकि ये डायोड सप्लाई सही नहीं दे रहा, हम इसको अलग कर देंगे। अलग करने के बाद फिर चेक करते हैं। डायोड भी हमारा निकल गया, तो हम एक बार चेक करेंगे। अब ये जो क्रिस्टल आईसी है इसको भी हमें चेक करना है। नहीं आ रही है, दोनों कैपेसिटर सही वर्क कर रहे हैं, ये भी सही काम कर रहा है, ये इसको चेक करते हैं, दोनों का कोई वर्क नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ चेक करें, यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं है। ये दोनों कैपेसिटर क्रिस्टल आईसी को सप्लाई दे रहे हैं, क्रिस्टल आईसी आउटपुट सप्लाई नहीं दे रही है, आउटपुट देगी तो ये दोनों कॉइल्स हैं, उन कॉइल्स पर वैल्यू आनी चाहिए, बिल्कुल निल है, कोई वैल्यू नहीं है। और हमें क्या करना है, बाकी हमारी कंडीशन जैसी है वैसी ही है, अभी भी वैसी की वैसी कंडीशन। तो एक बार कोई मोमेंट पर हल्का सा भी वाइब्रेट होगा तो पता चल जाएगा हमारा सेट ऑन हो रहा है नहीं हो रहा। अब हम ये 6 लैग की आईसी और डायोड दोनों को लगाएंगे। अब हमारा ये है क्रिस्टल आईसी, इसको आपको चेक करना है। अधिकतर ये 6 लैग की आईसी डैमेज होती है, इसमें मुझे ये डैमेज नहीं लग रही, ये लग रही है, हमें अभी ये चेंज करना है, चेंज नहीं रीस्टोर रिसोल्ड करना है इसको हमें।
थोड़ा हीट हो रहा है, हीट होने दें। डायोड लगा दिया, 6 लैक की आईसी है, उसको भी आप लगा देंगे। दोनों हमारे लगी 6 लाख की आईसी, और इसको हमें रीसोल्ड करना है। रीसोल्ड के लिए हम टेस्ट लेंगे, थोड़ा सा इस आईसी को लगाएंगे और आईसी को लगा करके हल्की सी हीट देंगे इसको, और हल्का सा मूव भी करेंगे। हल्का सा मूव होते के साथ ही समझो रीसोल्ड हो गई है। रिसोल्ड हो गई है हल्की से, सारी बॉल्स इसकी जितनी भी हैं हीट देने के बाद रिसोल्ड हो गई है। अब चेक करते हैं। अब सबसे पहले हम इसको वॉश करेंगे ब्रश में। एसीटोन डालें आप इस पर, एसीटोन डालने के बाद आप इसको रब कर दें। हमारे देखो साफ हो गया। अब हल्की हल्की हम इस पर हीट दे देते हैं ताकि इसके अंदर जो भी एसीटोन हो हल्का जो चला गया वो ड्राई हो जाए। हम चेक करते हैं। लगा करके ये भी चेक करेंगे कोई ऐसी ओवरहीट तो नहीं हो रही। कोई रिस्पॉन्स नहीं। चेक करें कहाँ कितनी सप्लाई भेजी है इसमें, और आई नहीं आई आउटपुट, नहीं इसमें आउटपुट नहीं आई है। एज इट इज ऐसी ही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये ऐसी डायलॉग है क्लियर। हमारी कंडीशन वैसी की वैसी है।
क्लियर है। अब हमारा ये जो है आईसी, क्रिस्टल आईसी, ये डैमेज है, चेक करने पर जो पता चल रहा है यहाँ भी वैल्यू आ रही है, यहाँ भी वैल्यू आ रही है, इन दोनों कैपेसिटर पर भी वैल्यू आ रही है, ये कैपेसिटर पर वैल्यू आ रही है। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी, मगर इसकी आउटपुट पर नहीं आ रहा है। क्रिस्टल के बाहर आईसी में आउटपुट आनी चाहिए, आईसी के बाद आउटपुट कुछ नहीं आ रही, यह आईसी खराब है। क्रिस्टल आईसी चेंज करनी पड़ेगी और चेंज करने के बाद आपका ये फ़ोन ओके हो जाएगा। अब हम इसे असेंबल करते हैं। ये अभी क्रिस्टल आईसी तो हमारे पास है नहीं, तो उसको अब हम असेंबल करेंगे। अब हमने इसे पैक कर दिया है और इसमें आपको इस सेट में असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आपके सामने ये सेट को कैसे खोला गया है, कैसे बंद किया गया है और ये जो डेड सेट है इसको हमने किस तरीके से चेक किया है ये भी आपको पता चला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हम कोई भी वीडियो जैसे अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।